मेरे दोनों दोस्तों ने बात की है, मैं उसकी मुकम्मल तायद करता हूँ। ये हमारा जो एक्सपोर्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, आपको पता है ये डायरेक्टली कंसर्न है हमारी एग्रीकल्चर से। छोटे छोटे किसानों के साथ, छोटे छोटे फार्मर्स के साथ हम काम करते हैं, तो इतने सारे लोग इससे वाबस्ता हैं। तकरीबन 5 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। अगर ये सफ़र करती है ट्रेड, तो वो सारे के सारे लोग सफ़र करेंगे। जो एक सिस्टम बना हुआ था 1991 से कि हम अपनी टोटल रेमिटेंसेस का, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट जो होती हैं, जो बायर होती हैं, उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो एयर फ्रेट का होता है। मिसाल के तौर पे आज अगर 250 रुपये किलो आम है, तो उसका हम किराया 950 रुपये किलो दे रहे हैं। आप इसको परसेंटेज पर लगा दें तो वो कहाँ जा के पहुँचता है। जो भी हमारी टोटल रेमिटेंस आती है वो हमारी फ्रेट के साथ होती है, उसके ऊपर हम 1% उनको ऑलरेडी देते हैं, चाहे हम प्रॉफिट करें चाहे हम लॉस करें। लेकिन 1% जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो हमारी रेमिटेंस से ऑटोमेटिकली कट जाता है, वो कटने के बाद हमको मिलता है। तो उसके बाद भी अगर ये 29% का हमको ले देते हैं, तो फिर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। ये $700 मिलियन की इंडस्ट्री है, $250 मिलियन कभी होती थी, उसको लेते लेते हम $700 मिलियन पे लेके आ गए। प्लान हमारा $1 मिलियन पे जाने का है, लेकिन अगर इस किस्म के इकदाम होंगे तो ये बिल्कुल क्रैश कर जाएगी। और ना सिर्फ ये ट्रेड क्रैश करेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के एक्सपोर्ट का, बल्कि उसके साथ जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो लेबर क्लास है, वो सब के सब सफ़र करेंगे। थैंक यू।